Cadiz FM and me Sam presenting news updates. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की अहम खबरों के साथ मैं हूँ दुर्रत समीर। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स की समाअत। शुगर मिल्स ट्रांसफर करने से भाई भाभी समेत पूरा खानदान नाराज हुआ। आवामी खिदमत में कोई बेईमानी नहीं की, छोटे मुकदमात बनाकर तस्दील किया जा रहा है। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। अपोजिशन लीडर तलबी पर आज नैब में पेश। आमदन से ज्यादा असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवाल और जवाब। रमजान शुगर मिल्स केस, नैब ने हमदा शहबाज का मजीद जिस्मानी रिमांड मांग लिया। मुंजिम के वकील की मुखालफत, अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। ये गिरफ्तारियों का सीजन है, कोई खौफ नहीं। राणा सनाउल्ला की गिरफ्तारी एक मजाक है, कौम असल हकीकत जानते हैं। हम दशहबाज की सहाफियों से बातचीत। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी की बैठक। हकूमत मुखालिफ तहरीक और चेयरमैन सेनेट की तब्दीली से मुतालिक मुशावरत। रहबर कमेटी के कन्वीनियर का भी इंतखाब। और जमहूरियत की मुकम्मल बहाली तक सुखता सांस नहीं लेंगे। आमरियती अनासिर सेलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। कुछ भी कर लें, आखिरी फतह पाकिस्तानी अवाम की होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी को उम्मीद। दुनिया की कोई ताकत हमें आइन की बालादस्ती से नहीं हटा सकती। आसिफ जरदारी का बयान। FM Hadis was available on Play Store. Download now. This news update brought to you by FM Hadis, the voice of Seoul.